تغفروا ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله ورضوان لم يمسسهم سوء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جرامي قدر سامعين محترم आज 11 ज़िलहज सन 1444 हिजरी ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। इन दिनों को अय्याम तशरीक़ कहते हैं और अय्याम तशरीक़ से मुताल्लिक़ तफ़सीली अहकाम इन दिनों की अहमियत और आज़मत कल अल्हम्दुलिल्लाह ईद के इज्तिमा में अर्ज की जा चुकी है। अल्लाह ताला इन अय्याम तशरीक को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया फरमाएं, अल्लाह की याद का ज़रिया फरमाएं। अज़ीज़ाने गिरामी, हम अपना पुराना सिलसिला आज से दोबारा शुरू कर रहे हैं। सिलसिलावार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा का सन 4 हिजरी के हालात वाक़ियात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के गोशे अर्ज़ की जा रहे थे। इसी सन 4 हिजरी में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ग़ज़वे बदर कुबरा का वाक़या रूनुमा हुआ। ग़ज़वे बदर में जब अबू सुफियान, जब ग़ज़वे उहद में जब अबू सुफियान और उनका लश्कर वापस जाने लगा तो वो ये कह कर गए कि अगले साल तुम्हारी हमारी मुलाकात बदर में होगी, फिर दोबारा जंग करेंगे, फिर दोबारा लड़ाई करेंगे। शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी में वो मौका आ गया। अबू सुफियान को याद आया कि मैं तो धमकी दे के आया था और हमें मुसलमानों से बदर में जंग करनी है, लड़ाई करनी है, तो उसने अपने साथ एक लश्कर लिया। अंदर से ये डरा हुआ था, मरऊब था, इसका लश्कर भी मरऊब था, डरे हुए थे सब लोग, चाहते थे कि किसी तरह जंग न करनी पड़े और हम पर बात भी ना आए, बेइज्जती भी ना हो, लोग ये भी ना कहें कि डर गए, लोग ये भी ना कहें कि हमारे मुकाबले से ये भाग गए, इसलिए चल पड़े। रास्ते में एक मकाम है मर्रुज़्ज़हरान, इस मर्रुज़्ज़हरान के मकाम पर पहुंचे। तो एक शख्स जिनका नाम नाइम बिन मसूद सकफी था, उनसे मुलाकात हो गई। पहले तो ये कहने लगा कि ये मुआशी तंगी का साल है, कहत का साल है, जंग का साल नहीं है, लड़ाई का साल नहीं है। अगर मईशत मजबूत हो, सब्जा हो, बारिशें हो, तो जंग का मजा आता है, ऊंट बिचरते हैं, लड़ने वाले भी पेट भर के खाना खाते हैं, ये कैसे लड़ाई होगी कि बारिशें कोई नहीं हुई, काहत का सामान है, काहत का मंजर है, हर तरफ खुश्की है, घास उगे नहीं, सफर कैसे हो, लिहाजा जंग मुश्किल है। लेकिन बेइज्जती से बचने के लिए नईम इब्ने मसूद सकाफी को रिश्वत दी, पैसे दिए, माल का एक हिस्सा मुकर्रर किया कि तुम जाकर मदीना में अफवाह फैला दो, प्रोपेगेंडा कर दो कि अबू सुफियान एक बड़ा लश्कर लेकर हमला आवर हो रहे हैं, मदीना पर चढ़ाई करने वाले हैं, ताकि मुसलमान डर जाएं, खौफ ज़दा हो जाएं, और वो डर की वजह से मदीना से बाहर ना निकलें, हम सुरखरू हो जाएंगे, अरब में ये बात फैल जाएगी कि मुसलमान निकले ही नहीं जंग के लिए, तो इस तरह शिकस्त मुसलमानों की तसव्वुर होगी। ये जंगी चाल चलने की कोशिश की और मर्रुज़्ज़हरान से अपना काफिला मक्का मुकर्रमा वापस लेकर चले गए। इधर मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन की भी एक जमात रहती थी, उन्होंने भी प्रोपेगेंडा शुरू किया, मीडिया वार चल पड़ी। मीडिया का शोर ये था, प्रोपेगेंडा ये था कि बड़ी तादाद में कुफार आ रहे हैं और इनसे बचना मुश्किल है,
मदीना के हर आदमी पर इस प्रोपेगेंडे का असर था, जैसे आजकल दुनिया में मीडिया वार है, ज़राए इबलाग के जरिए जंगें लड़ी जाती हैं, तासुर बनाए जाते हैं, बयानिए घड़े जाते हैं, फैलाए जाते हैं, झूठ को भी फैलाया जाता है, इस तरह फैलाया जाता है कि वो सच लगता है। आजकल तो मीडिया की जो जंग है वो जोरों पर है। दुनिया में रुख बनाया जाता है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए झूठ को सच और सच को झूठ करके दिखाया जाता है। जैसे अमेरिका ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ 9/11 के बाद जंग शुरू की तो मीडिया पे तासुर दिया कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ जंग है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, हकीकत में झूठ था। आपके मुल्क में हुकूमतें लाई जाती हैं और उनके लाने से पहले एक तासुर कायम किया जाता है मीडिया के जरिए, टॉक शोज के जरिए, टीवी एंकरों के जरिए, किसी खास पार्टी या शख्सियत को प्रमोट करके उनके बयानात बड़े बड़े छाप कर यूट्यूब और फेसबुक और टीवी पर उन्हें खास जगह देकर लोगों का जहन बनाया जाता है, तासुर दिया जाता है कि बस अब तो मुल्क की निजात का रास्ता यही है, वरना मुल्क तो तबाह हो जाएगा, बस ये एक सच्चा है, बाकी सारे झूठे हैं। ये अगर इख्तदार में पार्टी ना आई, ये शख्स इख्तदार में ना आया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हकीकत कुछ और होती है, बाद में जब हालात खुलते हैं तो पता चलता है कि वो सब झूठ था, पता चलता है वो सब फ्रॉड था। आज के हालात आप देख रहे हैं, कल जिनको हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया आज कहा जा रहा है कि ये झूठे थे, दहशतगर्द थे। इसको कहते हैं मीडिया वार, दुनिया में मीडिया वार हो रही है। इसलिए मीडिया पर, मीडिया के जरिए कोई नजरिया ना बनाया करो। अक्सर मीडिया पे झूठ को सच करके दिखाया जाता है, बातिल को हक बना के दिखाया जाता है, निकम्मों और नालायकों को लायक बना के दिखाया जाता है। यही हरकत मुश्रिकीन मक्का ने की। मदीना में प्रोपेगेंडा फैल गया, खौफ है, हिरास है, डर है, निकले तो निकले कैसे, मुश्रिकीन आ रहे हैं, ऊपर से तारीख आ गई, हुजूर अली सलाम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान एक बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं और इधर प्रोपेगेंडा है, हर एक आदमी पे प्रोपेगेंडे का असर है। इतने में हुजूर के पास हुजूर के दो वजीर आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु आए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अनु तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, बदर का क्या प्रोग्राम है? आपने फरमाया बदर में जाना है, आपका क्या मशवरा है? शेखैन ने फरमाया जरूर जाना है, ऐलान हो गया, चलो बदर। ये मुश्किल वक्त था, प्रोपेगेंडे के खिलाफ, अवामी तासुर के खिलाफ एक जहन साजी जो की गई थी उसके खिलाफ हुजूर ने इकदाम उठाया। जो जिहाद वाले होते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानी वाले होते हैं, वो प्रोपेगेंडों से मुतासिर नहीं होते। एक दौर था कि हमारे मदरसों के खिलाफ
मीडिया वार की गई, मदरसों को बदनाम किया गया, दो चार वाकयात करवाए गए, देखो जी यहां दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दों की नर्सरियां हैं, ये दहशतगर्दों के अड्डे हैं, मदरसों में असला छुपा होता है। झूठ के कोई हाथ पांव नहीं होते। बिलाखिर प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए, हमारे मदरसों की तादादों में इजाफा हो गया, लोगों की वाबस्तगी में इजाफा हो गया। आप अंदाजा लगाएं कि मदरसों पर लोगों का कितना एतमाद है। कल और आज के दिन में हमारे जामिया की मारिफत 70 गाय की कुर्बानी हुई है और एक गाय में 7 आदमियों का हिस्सा है, तो 7 × 7 49, 490 लोगों ने गोया एक जामिया की मार्फत कुर्बानी की, 800 लोगों ने, बकरे अलग थे, 900 आदमी एक इदारे की मार्फत कुर्बानी कर रहा है, एतमाद है तो कर रहा है। 1800 तलबा जेरे तालीम है, 1800 खानदानों का एतमाद है तो मदरसे में भेज रहे हैं, 1600 के करीब खालें जमा हुई, इन 1600 खानदानों को एतमाद है तो भेजी हैं। 500 लोगों की कुर्बानियां, सॉरी 800 नहीं 500, और 1600 लोगों की खालें, ये एतमाद की अलामत है। और ये कोई एक मदरसा तो नहीं, ऐसे मुल्क में हजारों मदरसे हैं। अल्लाह के नबी ने निकलने का फैसला किया, चल पड़े। हजरत अली के हाथ में झंडा थमाया, 10 घोड़े साथ लिए, बदर में पहुंचे। 8 दिन तक मेरे नबी ने अबू सुफियान और उसके काफिले का इंतजार किया, वो डर की वजह से वापस चले गए। 8 दिन हुजूर और सहाबा यहां ठहरे रहे, मुकीम रहे, और 8 दिन के बाद वहां पर कोई मेला था, कारोबारी मेला, तिजारती मेला, वहां पर सहाबा ने माल बेचा, वहां से माल खरीदा, वहां से माल बेचा खरीदा और बड़ा मुनाफा कमाया और मदीना में कामयाब होकर वापस आ गए। इसका नाम है गज़वा बदर उखरा, गज़वा बदर सानिया, ये दूसरा गज़वा बदर था। इसी के बारे में सूरह आले इमरान की आयतें उतरी, बाद आले इल्म ने फरमाया ये हमराउल असद के बारे में उतरी। मैं हमराउल असद के बारे में पहले बता चुका हूं, तरतीब चल रही है ना, तो जब मैंने गज़वा ओहद बयान किया था तो हमराउल असद को भी बयान किया था। ये आयतें उतरी, الذين استجابوا لله وللرسول, जिन सहाबा ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानी, من بعد ما اصابهم القرح, जख्मी होने के बाद, للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم, इन लोगों के लिए जिन्होंने नेक आमाल किए, तकवा इख्तियार किया, बड़ा अजर है। फरमाए इनकी बहादुरी तो देखो, الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم, इनको लोगों ने प्रोपेगेंडे से मुतासिर करने की कोशिश की, मीडिया वार के जरिए मरऊब करने की कोशिश की, इनसे कहा ان الناس قد جمعوا لكم, लोग तुम्हारे लिए इकट्ठे हो गए हैं, فخشوهم, इनसे डरो, فزادهم ایمانا, तो सहाबा डरे नहीं, उनके ईमान में इजाफा हो गया, उनका ईमान पक्का और मजबूत हो गया। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल के संग लड़ेंगे, जिएंगे या मरेंगे, नबी के साथ रहेंगे, और यही मुसलमान की शान है। आज कुरान जलाया जा रहा है, ईद के दिन स्वीडन में इजाजत के साथ
दो खबीसों ने मस्जिद के सामने मुजाहरा किया और एक बदबख्त ने कुरान के वर्के फाड़कर कुरान को आग लगा दी। गोया स्वीडन की बदमाश अदालतों ने अपनी निगरानी में कुरान को आग लगवाई। और स्वीडन के बदमाशों, बदमाश स्वीडन के बदमाश जजों और हुक्मरानों, अमेरिका से सबक हासिल करो। ये हरकतें अमेरिका ने भी की थी और फिर 5,000 अरब डॉलर का नुकसान उठाया, हजारों फौजी जहन्नम वासिल करवाए, कुछ को पागल करवाया और शिकस्त खुर्दा होकर आज बिलों में घुस के बैठे हैं। कुरान को आग लगाते हो, अल्लाह के आदाब के कोड़े का इंतजार करो। तुम्हें जुर्रत कैसे है? तुम किताबुल्लाह की तौहीन करते हो, तुम रसूलुल्लाह की तौहीन करते हो। हम मुसलमानों को, मुस्लिम हुक्मरानों को बुजदिल समझकर, दीन था, दीन है, दीन रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, कुरान के गुस्ताख खुद जलेंगे। इससे पहले भी ये गुस्ताख जले हैं। आप हजरात ने सुना होगा मशहूर वाकया है, मगरबी मुल्क का वाकया है, हुजूर के खाके बनाने वाला बदबख्त पुलिस के पैरे में रहता था, गाड़ी में जा रहा था, पुलिस साथ थी, अचानक गाड़ी को आग लगी, अल्लाह ने जीते जी जहन्नम की आग का ईंधन बना दिया। नूर खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। इसलिए फरमाया फजादहुम ईमाना, लोगों ने डराया, इनके ईमान में इजाफा हो गया। वकालू हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, कहने लगे हमें अल्लाह काफ़ी है, हमारा अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। मैं हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील के वजीफे के फजाइल बता चुका हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग के चीखे में ये दुआ पढ़ी थी, हर नबी ने मुश्किल में ये दुआ पढ़ी। हुजूर फरमाते हैं मुझ पे जब मुश्किलात आई तो मैंने भी यही दुआ पढ़ी, जो भी मुश्किलात में ये दुआएं पढ़ेगा, दुआ इस दुआ का विर्द करेगा जो कुरान ने बताई है, अल्लाह उसको काफ़ी हो जाएगा। बड़ा मुबारक वदीफा है, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील। और दूसरी का फरमाया فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, मुझे अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सहाबा किराम माल गनीमत के साथ, मुनाफे के साथ वापस तशरीफ लाए। ये शाबान सन 4 हिजरी है, इसी शाबान सन 4 हिजरी में मेरे नबी के महबूब नवासे जिगर गोशे बतूल इब्ने रसूल इब्ने अली हजरत सैयदिना हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। पर्दे का हुक्म भी इसी साल आया, उम्मे सलमा से शादी भी हुदूर की इसी साल हुई, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुदैमा उम्मुल मसाकीन से निकाह भी अल्लाह के नबी अली सलाम ने इसी साल फरमाया। और फिर अगले साल शाबान सन 5 हिजरी में ग़ज़वा मुरैसी हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, एक कबीला था बनुल मुस्तलिक, इस कबीले का सरदार हारिस इब्न अबी ज़िरार वो लश्कर जमा कर रहा है मुसलमानों पे हमला करने के। कितनी मुश्किल जिंदगी है हुजूर अलैहिस्सलाम, कितनी पुरखतर जिंदगी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की, हर वक्त ही खतरात और हर वक्त ही जंगें। इस्लाम की बका के लिए इस तबके ने कितनी कुर्बानियां दी, अल्लाह की कसम ये कुर्बानियां ना होती तो हम तक इस्लाम ना पहुँचता। पता चला कि बनिल मुस्तलक का सरदार हारिस बिन अबी ज़िरार, उसने लश्कर जमा किए हुए हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया चलो भाई
इनका दिमाग भी ठीक करें, इनकी भी सर को भी करें। आप अलैहिस्सलाम ने पहले तो हजरत बुरैदा को भेजा, तुम जाओ तहकीक करके आओ, वाकई वो लश्कर जमा कर रहे हैं। हजरत बुरैदा तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह वो लश्कर जमा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने तैयारी फरमाई और फरमाया चलो बनिल मुस्तलक से जंग करनी है। 30 घोड़े आपने साथ लिए, 20 महाजर 20 अंसार के थे, 10 महाजरीन के घोड़े थे। अचानक बनिल मुस्तलक मैं तुम्हें एक इख्तियार देता हूं, चाहो तो मैं तुम्हारी तरफ से बदले किताबत और रकम अदा करके तुम्हें आजाद करवा दूं और तुम मेरे साथ निकाह कर लो। तुम सरदार की बेटी हो, कायनात के सरदार का हरम बन जाओ, उनके निकाह में आ जाओ। इन्हें खुश हो के काम मुझे कबूल है। आपने इनका बदले किताबत अदा किया, ये आज़ाद हो गई, इनसे निकाह किया, ये हमारी अम्मी बन गई, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा जुवेरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा बन गई। इतने में इनके वालिद हारिस इब्ने अबी ज़िरार आ गए, मदीना में पहुँचे, बहुत सारे ऊँट लेके आए, 2 ऊँट उन्होंने छुपा दिए रास्ते में, वो बहुत कीमती थे। या रसूल अल्लाह आप जानते हैं कि मेरी बेटी गिरफ्तार हो गई है, मुरव्वज कानून के मुताबिक, ये पहले से कानून चला रहा था, वो बांधी बन चुकी है, मैं इतने ऊँट लाया हूँ, जानवर लाया हूँ, कबूल फरमा लें और मेरी बेटी को आज़ाद कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ अपनी बेटी से जाके पूछो, जाओ अपनी बेटी से जाके पूछो, अगर वो जाना चाहती है तो मैं बगैर कुछ लिए उसे आजाद कर दूंगा, बगैर लिए तुम्हारे साथ रवाना कर दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि वो जो 2 ऊंट कीमती तुमने फुला मकाम पे छुपाए हैं वो क्यों छुपाए। हारिस ने जब ये सुना तो बेसाख्ता उसकी जुबान पे आया अशहदु अल्लाह अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, और मुसलमान हो गए। मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मुसलमान हो गए। इस मौजज़े को देखकर इस्लाम कबूल किया और बेटी के पास गए और बेटी को जाके कहा कि अल्लाह के नबी ने तुझे इख्तियार दिया है, चाहो तो मदीने रहो, चाहो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊं। अब बेटी हुजूर के हरम में आ चुकी थी, उन्होंने कहा अब्बा हुजूर मुझे अल्लाह के नबी के मिल जाने के बाद अब बाप की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे घराने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ख़ानदान की भी ज़रूरत नहीं, मुझे हुजूर पसंद है, मैं अल्लाह के नबी के पास रहूंगी। हुजूर ऐसे शोहर हैं कि घर वालियों को मेका भी भूल गया, ऐसे शोहर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सहाबा को पता चला कि जुवेरिया हमारी मां बन चुकी, उम्मुल मोमिनीन बन चुकी, रसूलुल्लाह का घराना और हरम बन चुकी और उनका कबीला बनिल मुस्तलक, वो हुजूर का ससुराल बन चुका, इन्होंने कहा हुजूर का ससुराल कबीला, हम उनको गुलाम बना के रखें, हम उनको बांदियां बना के रखें, ये नहीं हो सकता। सब के सब ने इन 200 घरानों के मर्दों औरतों बच्चों को अल्लाह के नबी के ससुराल के एहतराम में आज़ाद कर दिया, सब ने आज़ाद कर दिया। आज कुफार कहते हैं मुसलमानों के नबी ने इतनी शादियां क्यों की, मैं इस पर पहले भी अर्ज कर चुका हूं, कभी फिर तफसील से अर्ज करूंगा। मेरे नबी ने एक से ज्यादा शादियां कोई जवानी में नहीं की, शादी की उम्रों में नहीं की। जब शादी की उम्र थी तो उस वक्त 25 साल की उम्र में 40 साल एक बेवा से निकाह किया,
और इतने हसीनो जमील, अगर चाहते अरब की जिस लड़की की तरफ उंगली करते, सआदत समझते लोग, अल्लाह के नबी को पेश कर देते। लेकिन मेरे नबी के अखलाक ये हैं कि एक बेवा से निकाह फरमाया 25 साल की उम्र में, और अब सन 4 हिजरी है। 4 हिजरी का माना यह हुआ 57 साल उम्र है, 57 साल। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 13 साल मक्का में गुजारे, 53 साल, और 4 हिजरी है ये, 4 बल्कि 5 हिजरी, ये 5 हिजरी है, हिजरत का 5वां साल है। 53 और 5 58, उम्र मुबारक का 58 साल है। 58 साल के उम्र में शादी को ख्वाहिशात के लिए नहीं की जाती, शादी की मंशा कुछ और थी, मकासिद कुछ और थे। उनमें एक ये भी मकसद था, ये मेरे नबी का सियासी फैसला था कि इतने सारे लोग गुलाम बने हैं, बांदियां बने हैं, इन्हें आज़ाद कैसे किया जाए। नबी ने एक लड़की से शादी कर ली, उसकी बरकत से उनका पूरा कबीला आज़ाद हो गया, पूरा कबीला आज़ाद हो गया। और यहाँ एक बात ये भी कहता चलूँ, ख़ास तौर पर नौजवानों तुम्हें, ये पैगंबर के ससुराल, पैगंबर ने अपने ससुराल का यूँ एहतराम किया, यूँ उनको एहतराम दिलवाया। तुम तो शादियाँ करते हो और शादियाँ करने के बाद यूँ लगता है कि अब तुम्हारे ससुराल तुम्हारे नौकर हैं, दुनिया के बदतरीन लोग हैं, तुम्हारा उनसे सुलूक गुलामों और बांदियों से बदतर होता है। मेरे नबी ने अपने ससुरालियों को यूँ इज्जत बख्शी, सहाबा ने अपने नबी के ससुरालियों का यूं एहतराम किया। तुम्हारे यहां तो साला होना गाली है, ये हिंदू नजरियात है जो तुम्हारे अंदर घुसे हुए हैं कि अब लफ्ज साला गाली बन गए। अरे साले कहते हैं ना, अरे साले, साला गोया के गाली है। अमीर मुआविया हुजूर के साले हैं, इब्न उमर हुजूर के साले हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर हुजूर के साले हैं। तो ससुराल एहतराम वाला रिश्ता है। हुजूर ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं, एक वो बाप है जिसने तुझे जना, एक वो बाप है जिसने तुझे इल्म दिया, एक वो बाप है जिसने अपने बच्ची का निकाह तुझसे कर दिया। अकल किया करो, आजाद हो गए, वापस आ रहे थे इस सफर से, एक अजीब वाकया हो गया। जहां बंदे इकट्ठे रहते हैं वहां तू तकरार भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक मुहाजिर और अंसारी सहाबी की एक चश्मे पर पानी पीते पिलाते लड़ाई हो गई। मुहाजिर ने घुसंदे मारा अंसारी को, तो अब अंसारी ने नारा लगा दिया, या अल अंसार, अंसारी आओ मेरी मदद करो। मुहाजिर ने कहा, वो इकट्ठे हो रहे हैं, या अल मुहाजिर, मुहाजिरो आओ तुम मेरी मदद करो। एक तरफ मुहाजिर आ गए, दूसरी तरफ अंसारी आ गए। ये असबियत है, कभी कभी लोग इनको जोश देते हैं, इनको भड़काया जाता है। इकट्ठे हो गए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपकी कानों में जब ये आवाज पड़ी तो आपने फरमाया दऊहा फइन्नहा मुंतना, इसको छोड़ो, ये गंदा नारा है, बदबूदार है, तअस्सुब का नारा, बदबू वाला है, गंदगी वाला है, गिलाजत वाला है, खिबासत वाला है, इसको छोड़ो। आज जिस नारे को हुजूर ने बदबूदार कहा, मुसलमानों ने अपनाया हुआ है। कोई कहता है मैं सिंधी, कोई कहता है मैं पठान, कोई कहता है मैं बलोची, कोई कहता है मैं पंजाबी, कोई कहता है मैं लोकल, कोई कहता है मैं मुहाजिर, कोई कहता है मैं रंगड़, कोई कहता है मैं कसाई, कोई कहता है मैं तेली, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हुजूर ने फरमाया ये बदबूदार है,
अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन बैठा था, ये मुनाफिकों का सरदार था, ये भी साथ आया था। इसने एक बकवास की, हुजूर की तौहीन कर दी। लाइ रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज्ज मिनहल अज़ल, हमें मदीने जाने दो, हम जो लोकल लोग हैं इज्जत वाले हैं, और ये जो लूटे फटे मक्के से हिजरत करके आए ना, ये जलील लोग हैं, नऊज़ु बिल्लाह, हम इज्जत वाले लोग इन जलील लोगों को मदीने जाके निकाल दें। हुजूर की तौहीन की, हुजूर भी तो हिजरत करके आए थे, सहाबा की तौहीन की, वो भी तो हिजरत करके आए थे, उनको अजल कहा। एक सहाबी ने हुजूर को इसकी इत्तला दे दी, या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन ने ऐसे कहा है। अब्दुल्ला बिन उबई मुकर गया, लेकिन मैंने तो नहीं कहा। हजरत उमर को गुस्सा आया, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, इस खबीस की मैं गर्दन उड़ा दूं, इसको मैं कत्ल कर दूं। आपने फरमाया, ना उमर, लोग क्या कहेंगे, मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवाता है, लुबादा तो इसने इस्लाम वाला ओढ़ा है, कहता तो ये अपने आप को मुसलमान है, अंदर का किसी को क्या पता कि ये मुनाफिक है या मुस्लिम है। तासर तो यही कायम होगा कि ये मोहम्मद करीम अपने साथियों को कत्ल करवाते हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी ने काफिर को कत्ल किया, कराया, मुनाफिक को कत्ल नहीं करवाया। मालूम होता है, नेक लोगों की खाली शक्ल भी हो वो भी बचा जाती है। इसको बचा गई शक्ल, इस्लाम की शक्ल बचा गई, वरना कत्ल होता। झूठ भी बोला, और दूसरा इसने कहा चलो मदीने, एक तो इनको निकालेंगे, और दूसरा बाबा तुम इनके चंदे वंदे बंद करो, इन पे खर्च करना बंद करो, तुम मुहाजिर, तुम अंसार, इन मुहाजिरीन पर माल खर्च करते हो, तुमने इन्हें घर दिए, तुमने बागात में इन्हें शरीक किया, तुम इन्हें चंदा देते हो, अब ये तुम्हारे खिलाफ बातें करने लग गए, इनके चंदे बंद करो, ये खुद भाग जाएंगे। कुरान ने इस वाक्य की तस्दीक कर दी, अल्लाह ने कुरान उतारा, तस्दीक कर दी। गालिबन हजरत जैद रजी अल्लाह अनु थे, जैद इब्ने अरकम, वो सच कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। ला तुन्फिकु अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यन्फज़्ज़ू, नबी के सहाबा पे खर्च ना करो यहां तक कि वो भाग जाए। मुशर्रफ दौर से एक मुहिम चली थी, अब तक चल रही है, कभी आहिस्ता कभी तेज, मदरसों के चंदे बंद करा दो ताकि ये मदरसे बंद हो जाए। ये मदरसे न इन्हें चंदा मिलेगा न ये चलेंगे, कुरान की तालीम बंद हो जाएगी, दीन सीखना लोग छोड़ देंगे, अमरीकी एजेंडा चलाना आसान हो जाएगा। ये तारीख मुनाफिकीन की आज से नहीं, हुजूर के जमाने से चल। ला तुन्फिकु अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यन्फज़ू, नबी के सहाबा नबी के साथियों पे खर्च ना करो वो भाग जाएं। जवाब आया ऊपर से, वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्ज़, चंदा देने वालों मत समझा करो कि तुम्हारे चंदे से दीन का काम हो रहा है, दीन का काम अल्लाह चलवा रहा है, तुम बंद भी कर दोगे दीन का काम चलेगा, इसलिए कि मेरा रब कहता है वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्ज़, जमीनों और आसमानों के खजानों का मालिक कौन है, सारे बोलो अल्लाह, आसमान और जमीन के खजाने उसके पास है, वो जिसको चाहे। इज्जत वाले जिल्लत वालों को निकाल देंगे। जवाब आया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली,
और मुनाफ़िको इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल की है। और एक जगह फरमाया वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, इज्जत अल्लाह के रसूल की है, इज्जत अल्लाह के रसूल के सहाबा की है। अल्लाह की दी हुई इज्जत को छीन नहीं सकता, वो इज्जतों का बनाने वाला है, वो इज्जतें अता करने वाला है। उसने इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए ईमान वालों के लिए रखी है, कोई छीन नहीं सकता। ये मुनाफिक था अब्दुल्ला बिन उबई, इसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला बिन उबई बिन अबी सलूल। उसके कान में आवाज पड़ी कि हुजूर मेरे बाप को कत्ल करवाना चाहते हैं। सुनो सुनो सहाबा का इशार, हुजूर मेरे मुनाफिक बाप को कत्ल करवाना चाहते हैं। ये चल के हुजूर की खिदमत में आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला है कि मेरे बाप ने रिसालत माआप की तौहीन की, गुस्ताखी की, आप उसको कत्ल करवाना चाहते हैं। मैं बेटा हूँ, बिल आखिर बेटा हूँ, कोई और कत्ल करेगा, हो सकता है कि मैं जज्बे इंतकाम में मगलूब होकर कत्ल करने वाले को कत्ल कर डालूं और अपनी आखिरत ख़राब कर दूं। बेहतर होगा अगर मेरे बाप के हक में फैसला कत्ल का है तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं खुद अपने हाथ से अपने बाप को नबी की खातिर कत्ल कर दूं। यह जज्बा है नबी के सहाबा का, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खुद कत्ल क्यों ना कर दूं, कोई और मारेगा तो इंसान हूँ आखिर, बाप बाप होता है, मुझ में जज्बा इंतकाम पैदा होगा, मैं उसको मार बैठूंगा, खुद जो मारूंगा तो कम अज़ कम मेरा ईमान तो महफूज होगा। दो जहां के सरदार ने फिर भी बाप को इज्जत दी। तुम सारे बाप बैठे हो, नबी पे दरूद पढ़ो कि बाप को इज्जत देने वाली शख्सियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत दी। फरमाया ना ना, वो तेरा बाप है, तुझे कत्ल करने की इजाज़त नहीं, मैं मोहम्मद अरबी तुझे हुक्म देता हूँ तू अपने बाप के साथ हुस्ने सलूक कर, बावजूद है कि वो काफिर है, हुस्ने सलूक कर, अच्छा सलूक कर अपने बाप के साथ। और अगर बाप मोमिन हो तो सुभान अल्लाह, उसका कितना हक है। ये तो काफिर बाप के बारे में कुरान कहता है वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैस लक बिही इल्म फला तुतिहुमा। अगर माँ बाप तुझे मजबूर करके काफिर बनाना चाहें, मुशरिक बनाना चाहें, गुनाह करवाना चाहें तो माँ बाप की बात न मान, लेकिन वसाहिबहुमा फि दुनिया मारूफा, दुनिया में उनसे हुस्न सलूक कर रख। बावजूद है तेरा बाप काफिर है, मुशरिक है, बिदअती है, खुदा न खास्ता किसी का बाप राफजी है, कादियानी है, साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में हुस्न सलूक रख, लेकिन दीन नहीं छोड़ना, आमाल को नहीं छोड़ना, अपने बाप के कहने पर, माँ के कहने पर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ये ज़ाब्ता याद रखो, जहाँ अल्लाह नाराज होते हों वहाँ मखलूक की इताअत न किया करो। बाप ही क्यों नहीं, उस्ताद ही क्यों नहीं, पीर व मुर्शिद ही क्यों नहीं। पीर मुर्शिद हुक्म देता है गुनाह करने का, मत मानो। माँ बाप हुक्म देते हैं गुनाह करने का, मत मानो। उस्ताद हुक्म देता है गुनाह करने का, मत मानो। बीवी को शौहर हुक्म देता है गुनाह करने का, मत माने। बीवी के जिम्मे शौहर की इताअत लाजिम, औलाद के जिम्मे माँ बाप की इताअत लाजिम, पीर व मुर्शिद की इताअत मुरीद के जिम्मे लाजिम, शर्ते के वो अल्लाह की नाफरमानी ना करवाएं।
जहां अल्लाह की नाफरमानी होती हो तो जब्ता आ गया शरीयत का, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म हो तो बादशाह की भी इताअत नहीं है, हुकूमत के खिलाफ शरा कानून की भी इताअत नहीं है, माँ बाप की भी इताअत नहीं है। तो हुजूर ने बाप को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी, फरमाया तुम हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह मुझे और आपको हुजूर की सीरत पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। www.dasquran.com